जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं, गेस्ट के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उसकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी खातर तवासों में कोई कमी ना रहे। इसी तरह शहर में जब कोई टूरिस्ट आता है तो ये तमाम इकदाम करने की ज़रूरत होती है। आज हम एक ऐसे शहर में टूरिज़्म की बात करेंगे जिसकी तारीख तकरीबन 6000 साल पुरानी है। इस शहर ने बहुत सी सल्तनतों के अरूज जवाल देखे। यहाँ की गली गली में अफसाने बिखरे हैं और यहाँ के दौरे दीवार कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ के किरदार शहर की रौनकों से बेखबर अपनी ही एक अलग जिंदगी जिए जाते हैं। इस शहर के शहर साजों ने छोटी छोटी गलियाँ और हवादार घर बनाए। ट्रैफिक की अदम मौजूदगी ने शहर के बीच सड़कों को तंग रखा। इस गर्मी को मात देने के लिए इंटरनल कूलिंग के मुतबादिल एक निज़ाम मुतारिफ कराया। इस शहर ने बहुत दुख और सुख देखे। इस शहर की इब्तिदा उन दिनों हुई जब मिस्र और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना वजूद तक न रखती थी। पुराने वक्तों में सिटी ऑफ गोल्ड और अब सिटी ऑफ सेंट्स कहलाया जाने वाला यह शहर अब उर्फ आम में मुल्तान कहलाता है। सिकंदर आजम के यहाँ कदम जमाने से लेकर मंगोलों के बर्बरियत से भरे हमलों तक मुल्तान ने बहुत सी तहजीबों को बड़े करीब से देखा। इसके बाद मुल्तान में मुगलिया सल्तनत का सूरज तलू हुआ, जिस पर बाद में सिखों ने ग्रहण लगाए। 1947 की हिजरत के वक्त मुल्तान ने एक दफ़ा फिर अपना दिल बड़ा किया और आने वाले महाजरीन को वेलकम कहा। ये एक हिस्ट्री का थंबनेल है कि तहजीब जितनी पुरानी होगी उतनी ही कल्चरली रिच होगी। ख़ास तौर पर वॉल सिटी और मुल्तान की गली गली में कहानियाँ मौजूद हैं। जब भी इसका कोई पुराना घर गिरता है तो उसके साथ कई कहानियाँ भी अपना दम तोड़ देती हैं। अलमिया ये है कि ये सब कुछ दिखाने और बताने का हमें हुनर नहीं आता। दुनिया ने ये हुनर सीखकर अपने शहरों का नाम कमाया है। इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पेरिस में 38 मिलियन, लंदन में 21 मिलियन, दुबई में 17 मिलियन, रोम जिसको मुल्तान का ट्विन सिटी कहा जाता है में 10 मिलियन, दिल्ली में 15 मिलियन, लाहौर में 3.7 मिलियन और मुल्तान में सिर्फ 5 लाख लोगों ने सफ़र किया। आखिर ऐसे क्या रिजल्ट्स हैं कि हमारे शहर इतना कल्चरली रिच होने के बावजूद भी टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं कर पाते? रीज़न बहुत सिंपल हैं कि हमारे शहरों में टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। हमें अपने शहरों की सिटी ब्रांडिंग करनी होगी। हमें अपने शहर को टूरिज़्म फ्रेंडली बनाने के लिए टूरिज़्म सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होगा। हमें अपने टूरिस्ट को अकोमोडेशन के मुख्तलिफ ऑप्शंस देने होंगे। हमें उसको ट्रांसपोर्टेशन के भी डिफरेंट ऑप्शंस देने पड़ेंगे। हमें उसको ऑथेंटिक टूर गाइड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। हमें उसको फूड के लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स देने होंगे। हमें उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देनी होगी। इसके अलावा जब हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हर उम्र, हर तबके, हर मज़हब के लिए एक्सेस टू ऑल होंगी, तभी हमारे शहर में टूरिस्ट आएंगे।